दो दिवसीय मध्य प्रदेश आईपीएस कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन राजधानी भोपाल में किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के तमाम आईपीएस अधिकारी शिरकत कर रहे हैं। आईपीएस कॉन्क्लेव में खरगोन डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र शामिल होने पहुंचे। इस दौरान डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि इस तरह के आयोजन से अधिकारियों और उनके परिवार के लोगों को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलता है। इसी अहम कॉन्क्लेव पर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र से खास बातचीत की हमारे सहयोगी शोएब खान ने। मध्य प्रदेश आईपीएस मीट का आयोजन राजधानी भोपाल में हो रहा है और तमाम आईपीएस अधिकारी इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। हमारे साथ आईपीएस अधिकारी हरि नारायण चारी मिश्र जी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, एक आयोजन हो रहा है जिस तरह से जो अधिकारी हैं तनाव में रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालते हैं, तो एक गेट टुगेदर होने का मौका मिलता है सबको, क्या कहते हैं? यह एक बहुत बड़ा वार्षिक आयोजन है जिसमें लगभग सारे पुलिस अधिकारी अपने परिवार के साथ, खास बात है कि जब भी बैठक होती है तो अधिकारी आते हैं, जिसमें पूरे परिवार के साथ सभी लोग इकट्ठे होते हैं। विभिन्न मुद्दों पे जो प्रथम सत्र होता है, दिन का जो सत्र होता है, उसमें जो व्यावसायिक मुद्दे होते हैं, जो प्रोफेशनल चैलेंजेज होते हैं, उन मुद्दों पर बात होती है। लेकिन शाम को बहुत सारे ऐसी सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक क्रियाकलाप जो कि सामान्य तौर पर सामने नहीं आ पाता। एक जब पुलिस अधिकारी एक काम करता है तो एक व्यावसायिक रूप से दक्ष होने के साथ साथ उसमें कुछ साहित्यिक प्रतिभाएं, उसमें कुछ अन्य कलात्मक प्रतिभाएं भी हो सकती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर वो बातें सामने नहीं आती हैं। इस आयोजन के माध्यम से उसके व्यक्तित्व का वह पहलू उभर के सामने आता है। सभी सीनियर, सभी जूनियर, सभी लोग एक साथ एक मंच पर अपने जोन के आधार पर अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं और उसमें उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। यह एक इस तरह का आयोजन है जिसमें व्यक्तित्व के अन्य आयाम जो कि मुख्य तौर पर व्यावसायिक दक्षता के अलावा है, वो उभर करके बड़ी प्रमुखता से सामने आते हैं। सर, आपके कौन सा परफॉर्मेंस देख सकेंगे? मैं अभी चूंकि वहाँ खरगोन में हूँ तो उस तरफ पे मैं इंदौर उज्जैन संभाग का एक अलग जोन है, चूँकि इस पूरे कार्यक्रम में अलग अलग जोन बनाए गए हैं, जो ग्वालियर और उसके आसपास के जो जिले हैं, जो जबलपुर और उसके आसपास के जिले हैं, उज्जैन और इंदौर को एक रखा गया है, जबलपुर और सागर को रखा गया, तो यानी आसपास के सभी सीमावर्ती जिलों को मौका मिले कि छोटे छोटे क्षेत्रीय समूह बनाया गया है जो कि एक सांस्कृतिक रूप से एक समूह को, एक अंचल को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसमें सभी लोग अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे और उसके क्षेत्र के जो चुने हुए जो कलाकार होंगे उसमें रहेंगे। मैं चूँकि इंदौर उज्जैन जोन में हूँ तो वहाँ पर मैं भी उसमें सक्रियता से रहूँगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में देखने मुख्य तौर पर कल दिन में बहुत सारी खेल कूद की भी बहुत सारी गतिविधियाँ हैं जिसमें हमारे बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे साथी बहुत ही अच्छे हैं विभिन्न खेलों, विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं में, खेलों में। हालांकि इसमें जो खेल का आयोजन होता है उसके पीछे प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगात्मक भावना कम होती है, उसके पीछे एक मनोरंजन की भावना ज़्यादा होती है, एक साथ मिलकर बैठने की भावना ज़्यादा होती है, एक साथ मिलकर के बड़े सुकून के साथ अपने चीज़ों को शेयर करने की भावना ज़्यादा होती है। तो इसमें बैठेंगे और कल बहुत सारी खेल कूद की भी गतिविधियाँ होंगी, बहुत सारी इस तरह के प्रति आयोजन होंगे, यानी कि पूरा जो दो दिन है बड़े ही उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ लोग जीवंतता के साथ जीने वाले हैं। सर, जनता की सेवा में आप लोग दिन रात लगे रहते हैं, तो परिवार को भी समय कम दे पाते हैं, तो इस तरह के आयोजन में फिर परिवार ही साथ है, तो आप किसके साथ आते हैं? परिवार के साथ आपने मेरे लिए कठिन सवाल कर दिया। हालांकि ऐसे परिवार के साथ आना था लेकिन चूंकि मेरे बेटे का एग्जाम था कल सुबह से, इसलिए मैं बच्चों के साथ नहीं आ पाया हूँ, लेकिन हमारे जो अधिकांश साथी हैं वो परिवार के साथ हैं। और इसमें न सिर्फ पुलिस अधिकारी इस आयोजन में पूरी अपनी क्षमता के साथ, अपनी जीवंतता के साथ शामिल होते हैं, बल्कि अधिकारियों के पारिवारिक स्तर पर जो कि काफ़ी इंटरेक्शन कम हो पाता है, इस तरह के अनौपचारिक आयोजन बहुत कम होते हैं, तो एक वो मौका होता है जिसमें पारिवारिक स्तर पर भी लोग एक दूसरे से मिल सकें और उनका परिवार भी विभिन्न तरह के आयोजनों में शुमार हो सके। जूनियर सीनियर जो अधिकारी हैं वो भी आपस में मिलकर के मुलाकात से जी हाँ, एक ऐसा मंच होता है जिसमें शायद उहदे का ज़्यादा मतलब नहीं रहता, इसमें प्रतिभा और एक दूसरे से जुड़ने का भाव ज़्यादा रहता है, तो सभी लोग बड़े ही खुल करके, बड़े ही एक बेहतर माहौल में, एक सकारात्मक माहौल में एक दूसरे से मिलते हैं और जो जो अपनी व्यावसायिक जो दक्षता होती है, व्यावसायिक जो सवाल होते हैं उससे हट करके दीगर जो चीज़ें हैं, दीगर जो जीवन में एक दूसरे से जानने का मौका मिलता है, मुझे लगता है कि जीवन का भी एक अनिवार्य अंग है और सिर्फ औपचारिक ढंग से एक दूसरे से जुड़ने का अलावा अनौपचारिक ढंग से चीज़ों को जानने का जो होता है, जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है दूसरे के साथ अधिकारियों की, वो एक ऐसा मंच है जिसमें काफ़ी मदद मिलती है। ये था हमारे साथ आईपीएस अधिकारी हरि नारायण चारी मिश्र जी, इनका साफ तौर से कहना है कि एक ऐसा मंच है जहाँ पर परिवार को समय दिया जाता है और तमाम जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात होती है और एक दूसरे को जानने की कोशिश करती है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शोएब खान, आई एम रिपोर्ट, भोपाल।